बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने मंगलवार को वार्ड संख्या एक में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा वितरण कार्यक्रम का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कई लोगों को उनके रहवासी मकान का पट्टा सौंपते हुए आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को पट्टा देने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु, सभापति दिलीप माली, आयुक्त योगेश आचार्य सहित कई लोग मौजूद रहे। बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने मंगलवार को वार्ड संख्या एक में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा वितरण कार्यक्रम का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कई लोगों को उनके रहवासी मकान का पट्टा सौंपते हुए आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को पट्टा देने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री विश्नोई ने आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाड़मेर नगर परिषद ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए हजारों लोगों का पट्टा बनाकर उन्हें लाभान्वित किया है। यह अपने आप में काबिले तारीफ है। साथ ही बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की तारीफ करते हुए प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि मेवाराम जैन ने जनता के लिए जो कार्य किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपना हर चुनावी वादा पूरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु, सभापति दिलीप माली, आयुक्त योगेश आचार्य सहित कई लोग मौजूद रहे। जितने पट्टे बाकी हैं सभी को पट्टे देंगे, एक भी पट्टा पीछे नहीं रही, मेवाराम जी ने घोषणा की है। और व्यक्तिगत रूप से चेयरमैन साहब मेवाराम जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पट्टों के अलावा सड़कें टूटी सड़कें दुरुस्त करेंगे, कनेक्शन करेंगे, रोड लाइट लगेंगे। चुनाव से पहले पहले जो वादे मेवाराम जी ने लोगों से किए उनको पूरा करेंगे। वन विभाग किसी का हाथ की बात नहीं है, उसमें डाइवर्सन की भारत सरकार की जरूरत होती है। और वो आबादी, उस पहली बात तो वहाँ फॉरेस्ट में कोई बैठा नहीं, फर्स्ट में हमारा है ही नहीं, ऐसा कोई पट्टा ही नहीं। गौरतलब है कि बाड़मेर नगर परिषद की एकमात्र कच्ची बस्ती वार्ड संख्या एक में इन दिनों नगर परिषद के द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में कच्ची बस्ती, सरकारी भूमि और कृषि भूमि तीनों श्रेणी के पट्टों के लिए आवेदन किए गए हैं, जिसको लेकर नगर परिषद द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में वार्ड के कई वासिंदों ने अपनी जमीन के मालिकाना हक के लिए पट्टा प्राप्त करने को लेकर पत्रावली जमा करवाई।